यार शिनचैन का पहले का घर कुछ ऐसा और अब का न्यू घर कुछ ऐसा क्यों है? और डोरेमोन के पुराने सीजन को ही सबसे बेकार सीजन क्यों बोला जाता है? लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि वो कौन सा कार्टून है जिसमें अभी तक सबसे ज्यादा एवोल्यूशन हुआ है? तो यार आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कार्टून के एवोल्यूशन के बारे में। नंबर वन शिनचैन। तो यार शिनचैन पहली बार ईयर 1992 के 13 अप्रैल को लॉन्च हुआ था और वो स्टार्टिंग के समय में कुछ ऐसा क्यूट दिखता था एंड एनिमेशन स्टाइल भी काफी अलग थी और इसकी एज आज के शिनचैन से काफी छोटी लगती थी बट फिर भी ये काफी हरामी था। यारो इसी टाइप से शिनचैन की हरकतें एकदम पीक पर थी, चाहे वो अपना छोटा हाथी दिखाना हो या फिर बमचिक बमबम करना, शिनचैन कहीं पीछे नहीं हटता था और आगे 6 सालों तक यही एनिमेशन को कंटिन्यू किया गया। फिर अराउंड 20s के समय में आज की तरह दिखने वाले शिनचैन को बनाया गया था जो कि 2005 तक कुछ ऐसा दिखने लगा था। और यारो इसी ट्रांजेक्शन के बीच में शिनचैन का घर कई बार बदल गया, जहाँ उसका पुराना घर एकदम फ्लैट जैसा दिखता है और अब का न्यू घर एकदम ट्रिपिकल जैपनीज हाउस जैसा दिखता है। तो यारो शिनचैन का अब तक 13 प्लस मूवीज बन चुकी है और मैं आप लोगों को बता दूं कि हर एक मूवी में कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होता ही रहता है। अब इतना 2D एनिमेशन के बाद फाइनली शिनचैन का एक 3D मूवी भी लॉन्च होने वाला है और इसके बारे में शिनचैन फैंस को तो पता ही होगा और अगर हमारा लक अच्छा हुआ तो ये मूवी इंडिया में भी जल्दी रिलीज हो जाएगा। वैसे इसको शिरोगुमि INC प्रोड्यूस करने वाली है जिन्होंने डोरेमोन की 3D मूवी को भी प्रोड्यूस किया था। नंबर 2 निंजा हथौड़ी। वैसे इस कार्टून का एवोल्यूशन बाकी कार्टून से काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि हमारा निंजा हथौड़ी कार्टून उनसे पहले एक टीवी ड्रामा था जिसको 1966 में जापान में रिलीज किया गया था, यानी कि पूरे 57 इयर्स पहले। हाँ भाई बहुत ही पुराना है ये टीवी ड्रामा और उस समय मांगा का लाइव एक्शन एडिप्टेशन काफी ज्यादा पॉपुलर था। तो यार अब अगर आप इस शो को देखोगे तो आप लोगों को लगेगा कि इस हथौड़ी को डार्क वेब के लिए बनाया गया है। तो दोस्तों अगर इस हथौड़ी को कोई बच्चा रात में देख ले तो कसम से उसका तो पैंट ही गीला हो जाएगा। तो यार इस टीवी ड्रामा के करीबन 2 सीजन बनाए गए थे और हर एक सीजन में 26 एपिसोड था। अब मेकर्स को अपना गलती का एहसास होने के बाद 1981 में निंजा हथौड़ी का कार्टून को बनाया गया था जो कि उस समय के अकॉर्डिंग काफी नॉर्मल सी एनिमेशन क्वालिटी थी और इसको देखकर आप लोगों को पक्का नॉस्टैल्जिया वाली वाइब आने वाली है। आप ऐसे क्यों बैठी है, कोई परेशानी है क्या? क्योंकि मैंने सुबह से कुछ खा रही है बेटा, भूख से मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। परेशान होने की जरूरत नहीं है, वहाँ देखो वहाँ बेबी है, जाकर खरीद लो आंटी। यारो इस वाले एनिमेशन स्टाइल में निंजा हथौड़ी का करीबन 5 सीजन्स बनाए गए थे और इसमें लगभग 700 एपिसोड थे। ये काफी लंबे समय तक चला, लगभग 1987 तक, जिसमें समय समय तक स्टोरी से लेकर एनिमेशन स्टाइल तक इंप्रूवमेंट किया गया और ये कार्टून जापान में काफी अच्छा चल रहा था। लेकिन कुछ समय के बाद इसकी भी पॉपुलरिटी घटने लगी, इसकी वजह से इसके प्रोडक्शन को लगभग बैन ही कर दिया था। और जब अराउंड 2007 और आज के समय में शिनचैन और डोरेमोन जैसे कार्टून का क्रेज जापान में बहुत ही ज्यादा बढ़ गया और तब से निंजा हथौड़ी भी इंडिया में पॉपुलर होने लगा और इसके पुराने 700 एपिसोड हम इंडियंस को बहुत ही ज्यादा पसंद आए, जिसकी वजह से 2013 में रिलायंस मीडिया वर्क्स लिमिटेड ने टीवी असाइनल एनिमेशन के साथ मिलकर इसका न्यू सीरीज को लॉन्च किया। इसमें एनिमेशन क्वालिटी को भी काफी अच्छा कर दिया गया था, साथ ही इंडिया में प्रोड्यूस होने के कारण इसमें कुछ इंडियन एलिमेंट्स को भी जोड़ा गया था जिससे कि इंडियन ऑडियंस ने और भी पसंद किया। नंबर 3 डोरेमोन। इस आइकॉनिक कार्टून की शुरुआत 1973 में हुई थी एंड उससे पहले डोरेमोन का मांगा आता था और जो 1973 में डोरेमोन का कार्टून रिलीज हुआ था वो एकदम उसके मांगा जैसा ही लगता था, जिसकी वजह से इनके एनिमेशन क्वालिटी में काफी ज्यादा इनकंसिस्टेंसी थी, यानी कि डोरेमोन और बाकी लोगों के शेप जो है वो सीन्स के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते थे एंड इसीलिए ये डोरेमोन सीरीज काफी ज्यादा क्रीपी लगती थी और इसमें जियान को पूरा गुंडा ही दिखाया गया था और जियान अपने डैड को भी पीटता था क्योंकि डोरेमोन का सबसे बेकार सीजन था। लेकिन 1971 में एनिमेशन के साथ कई चीजों को ठीक किया गया था, इसके बाद भी ये इतना अच्छा नहीं लगता था और इसके कैरेक्टर भी काफी अजीब थे। बट 1979 में ये कार्टून बहुत ही ज्यादा फेमस होने लग गया था क्योंकि ये डोरेमोन सीरीज पिछले वाले से काफी अच्छा और मजेदार बना था और तब तक काफी सारे डोरेमोन के मांगास भी बिकने लगे थे। अब फाइनली आता है डोरेमोन का 1990 का फेज, जिसको आप डोरेमोन का गोल्डन फेज भी बोल सकते हो क्योंकि वक्त के साथ इसका एनिमेशन स्टाइल भी बहुत ही ज्यादा इंप्रूव किया गया और जो यारो हम बचपन में डोरेमोन देखा करते थे वो इसी फेज का था। नंबर 4 टॉम एंड जेरी। तो यारो टॉम एंड जेरी की शुरुआत 1940
1940 में हुई थी और यहाँ से लेकर 2021 तक तकरीबन इसका एनिमेशन स्टाइल को 11 बार चेंज किया गया था एंड एनिमेशन से लेकर इसका मीडिया हाउस भी कई बार चेंज हो चुका है और इसे 1940 में हेना और बारबेरा नाम के स्टूडियो एनिमेट एंड डायरेक्ट करती थी और उन्होंने ही टॉम एंड जेरी को कॉमिक वाला लुक दिया था एंड 1961 में इसके एनिमेशन स्टाइल को और एक बार चेंज किया गया था तो उन्होंने इस बार इसका हेड जेन डिच को बनाया जिसके बाद हमें ये ब्लू कलर का क्लासिक टॉम देखने को मिला और भाई इसमें टॉम के मालिक को ही चेंज कर दिया गया था जहाँ इस मोटी काली बुढ़िया को चेंज करके टॉम का नया मालिक क्लीन कॉबलर को बनाया गया था तो यारो इतने इन्फॉर्मेशन के बाद अब बारी आते हैं कुछ खतरनाक मीम्स की तो यारो नंबर वन मीम की ओर आगे बढ़ते हैं इंद्र वर्मा लड्डू छोड़ ये पी भीम जम के शक्ति मिलेगी भीम दारू पीने के बाद हाँ भाई ये बात सही है वैसे तो अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे मीम की ओर राजू भीम को क्या ही पता चलेगा तो यारो मुझे इतना तो पता था कि ये राजू थोड़ा हरामी है तो यारो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही और अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लेना और अगर आप लोगों ने हमारे न्यू इंस्टाग्राम अकाउंट में फॉलो नहीं किया तो जरूर से कर लेना उधर में भी तो आज के लिए बस इतना ही तो मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में।